मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस वर्ष नई योजना के रूप में बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक कृषि फॉर्म को उन्नत कृषि तकनीक, उद्यानिक फसलों की खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई की उन्नत व्यवस्था की जाएगी, फिर उसे कृषक पाठशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मोराबादी मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। पढ़ाई के साथ खेती की नई तकनीक भी सिखाए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कृषक पाठशाला में स्थानीय किसानों की क्षमता का विकास कर उन्हें कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, मत्स्य पालन, सुकर पालन इत्यादि में उनकी आय में बढ़ोतरी की जाएगी। बिरसा कृषि पाठशाला का मुख्य उद्देश्य गांव में ही रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का आंकलन कर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी। बिरसा किसान के रूप में राज्य के किसानों को एक नई पहचान मिली है। अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किसानों के लिए 34 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की गई है। राज्य भर के 2,00,000 किसानों को 587 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। वहीं पशुधन योजना के तहत राज्य के 62,000 किसानों को कुल 47 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। अब राज्य में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से पास की हो। झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में यह प्रावधान को शिथिल रखा गया है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। बिरसा किसान के रूप में राज्य किसानों को एक नई पहचान मिली है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किसानों के लिए 734 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की गई है। राज्य भर में 2,00,000 किसानों को 587 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। झारखंड सरकार के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्प है। राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई खेल नीति 2020 बनाई गई है। खेल प्रतिभाओं को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 39 खिलाड़ियों को राज्य सरकार के अधीन नियुक्त किया गया है। हमारे पूरे झारखंड राज्य के सारे लोगों को 75वां स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री एवं कल्याण प्रमंडल के प्रभारी विजय कुमार मेलगंडी।
भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिनहुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है। तो सोच मैम। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयां ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। वेलकम, यू've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.